करते और इस बार तो हमने शपथ ली है जम्मू में, हमारे जो लीडर वहां पर है हमने शपथ ली है कि अगर बीजेपी ने 4 तारीख से पहले कोई मसला हमारा हल नहीं किया तो आने वाला जो इलेक्शन है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन यहां पर होने जा रहा है, आप देख लेना बीजेपी की हालत क्या होगी जम्मू कश्मीर में। यह बात नहीं है कि गरीब समझता नहीं है इनकी चालू को, हम वोट करते हैं इंसान को, इनकी चालू को नहीं करते हैं, इनके पैसों को नहीं करते हैं, हम गरीब लोग हैं। किसी डिपार्टमेंट में आप डेली वेतन को पकड़ो, इस वक्त कितना फरकशी का शिकार है, इतना मौसम खराब है, ठीक आज भी बर्फबारी में हमारे डेली वेतन पानी चला रहे हैं, यहां पर क्या रहना साहब चला रहे हैं, अमित शाह साहब चला रहे हैं, कम से कम उनको देखना चाहिए। अगर उनके लड़के उनके बच्चे ठेकेदारी करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो कम से कम उनको एक नजर गरीबों पर भी रखनी चाहिए, जिन गरीबों ने उनको वो कुर्सियां दी, जिसकी वजह से इस वक्त अमित शाह साहब का लड़का जो है वो पूरे इंडिया में जलजीवन चला रहा है, जो जलजीवन हम लोग लगा रहे हैं। ये झूठ नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं थ्रू मीडिया कि जलजीवन जो है, जो जलजीवन मिशन है, घर घर पानी देना, इसमें अगर कोई ठेकेदार है, कोई बिजनेसमैन है जिसका उसको फायदा मिल रहा है, वो अमित शाह है और अमित शाह का लड़का है, क्योंकि वही जलजीवन चला रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में। दूसरा एक सिक्किम उन्होंने और लाई थी, कौन सी सिक्किम कि वो क्या बोलते हैं वो कुछ घर बना, मुझको बताओ ये चीज़, हम कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोगों को ज्यादा पता है मीडिया वालों को, लेकिन हम सुनते हैं कि गरीबों के लिए घर बना रहे, मुझको ये चीज बताओ, मैं घर में एक हूं सर, मैं थ्रू मीडिया कह रहा हूं मैं एक हूं घर में, मेरे बाप ने जो मकान बनाया वही मकान मेरे पास है, फिर मुझको भी मिलना चाहिए गवर्नमेंट प्लॉट या गवर्नमेंट मकान या गवर्नमेंट पैसा, क्यों मैं हक नहीं रखता हूं, मैं इंडियन नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन रहूंगा, मैं मरूंगा हिंदुस्तान में और जीऊंगा भी हिंदुस्तान में और खाता भी हिंदुस्तान का हूं अपनी मेहनत से, वफादारी से। ये नहीं कि हम वोट करते हैं, किसी से पैसा लेकर वोट लाते हैं, फिर कुर्सी पे बैठकर तो अपने लड़कों को अपने बच्चों को फायदा पहुंचाते हैं। बड़े दुख से कहना पड़ता है, आपने देखा होगा कि मोदी साहब का यहां पर दौरा था जम्मू में, है ना, जम्मू में दौरा, हमें बड़े तवक्कों थी कि मोदी जी आएंगे वो हमारे बारे में डेली वीडियो के बारे में कुछ ना कुछ ऐलान करेंगे, लेकिन हम वहीं पर खड़े हैं और उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर हम थे। लेकिन मैं आपके चैनल के वसात से ये कहना चाहता हूं अपने डेली वीडियो को, देखो इस वक्त मौसम खराब है, बारिश पड़ रही है, ठीक बिल्कुल 3 दिन तक जो नेट दिखा रहा है, जो इस वक्त ये अपने जो मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो बताते हैं कि 3 तारीख तक बारिश, क्या देखा आपको यही बता रहे 3 तारीख तक बारिश, वही हम नेट में देख रहे हैं। लेकिन मैं अपने डेली वीडियो को, खास करके अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा के डेली वीडियो को ये कहना चाहता हूं कि मौसम को नहीं देखना, अगर अपना हक लेना है तो 3 तारीख जम्मू के लिए निकलो, चाहे बर्फ हो, तूफान हो, कुछ भी हो, 3 तारीख जम्मू के लिए निकलो, 4 तारीख का प्रोग्राम जो हमारी लीडरशिप ने दिया वो पूरे हिंदुस्तान में मनाओ कि जम्मू कश्मीर में जो डेली विजर है वो इतना तंग आया है वो कुछ करने के लिए भी तैयार है। देखो सर, या तो हमारे मोदी जी साहब के पास या जो हमारी इस वक्त इस मोदी को चला रहे अमित शाह साहब, या तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं, जम्मू कश्मीर की बीजेपी जो क्यादत है वो नहीं पहुंचा रही, या तो हमारा एलजी इतना नालायक है कि उसको ये सुनाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग क्या मांग रहे हैं। मुझको ये चीज बताओ सर, आप इधर डोडा के रहने वाले हो, आप थ्रू मीडिया में आपके सामने एक सवाल करता हूं, आपके घर में पानी सुबह है, ये बारिश पड़ रही है, हमारा डेली वीजर आपने सड़क पर देखा पानी डालते हो, आप मुझको ये चीज बताओ, मुझको समझ नहीं आई हमारे एलजी जो गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं कि उसके घर में इस वक्त पानी कौन दे रहा है, पानी तो डेली वीजर ही दे रहा है, यह उसको भी पता है नहीं, 50% डेली वीजर इस वक्त सेक्रेट में भी है, ये बात नहीं है तो मैं थ्रू चैनल कह रहा हूं, और 90% इस वक्त हर डिपार्टमेंट में डेली वीजर काम कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट पकड़े डेली वीजर काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है डेली वीजर काम तो कर रहा है और ये गवर्नमेंट डिमांड्स क्यों नहीं मान रही, मुझको ये चीज बताओ। इस वक्त पीएचई में लगभग जो डोडा में पोस्ट है, क्या दिशा तो कितनी पोस्ट होंगी डोडा में, मतलब लगभग 300-400-500 पोस्ट जो डोडा में वैकेंट है, उनका पैसा जो सेंटर से आता है वो यही गवर्नमेंट खाती है और कितना लगाती है, कितना लगाती है, जो इनके इस वक्त गाड़ियों में सिक्योरिटी लेके चलते हैं वो हमारा पैसा, हमारे दफ्तर का पैसा, हमारे डिपार्टमेंट का पैसा, वो तेल में खर्च करते हैं, इसलिए उनको क्या जरूरत पड़ी कि हमने जो वैकेंसी खाली है उनको पूरा करना, क्योंकि उनका सिस्टम डेली वेज चला रहा है, 9,000 रुपए चला रहा है डेली वेज उनका सिस्टम, तो उनको क्या जरूरत है नहीं भर्ती करने की, वो क्यों हमको परमिट करेंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इनको नजर नहीं आ रहा है, इनको यही नजर आ रहा है कि हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी है, हमारे पीछे सीआरपी की गाड़ी है, और वो पुलिस वाले भी कौन है जो इन्हें एसपीओ भर्ती किए हैं, वही इनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं, सिक्योरिटी करते हैं आगे पीछे, वही वो भी तड़प रहे हैं,
कोई किसी दिन बोलते हैं 500 की है दिल्ली में परमिनेंट, किसी दिन बोलते हैं एसपीओ को तनखा की 9000 से 18000, किसी को की 12000। ये चक्कर चला के हम लोगों को बेवकूफ बनाकर और हमारा डेली जो है वो बेवकूफ बनता है, इनकी वो उस पॉलिसी में फंस जाता है। इसी वजह से हमारी जो डिमांड है गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें फायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो हमको तनखा देनी पड़ेगी भाई, 20,000-25,000 तनखा देनी पड़ेगी, वो इनको मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डेली मजदूर को क्या हुआ है ना, जैसे कांग्रेस और एनसी और पीडीपी थी, उनको आदत हुई थी हमारे गरीबों की सलाम सुनने की, क्योंकि वो खुश होते थे जब गरीब एक सड़क से चलता था और वो उसको सलाम करता था, चाहे वो एनसी का लीडर था या कांग्रेस का लीडर था या पीडीपी का लीडर था या किसी भी पार्टी का, और वही उसी पैटर्न पे आज बीजेपी की लीडरशिप चलती है। क्यों? क्योंकि वो भी ये जान गई है कि जनाब अगर इनके साथ हमने कोई अच्छा सलूक किया, जो ये सलाम करते हैं वो सलाम बंद हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सलाम करते हैं ना, कि जो भी बड़ा कोई लीडर आता है तो सलाम करना शुरू हो जाते हैं। मुझको ये चीज बताओ, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट कराता है, वहां पर आप देख लेना कि डेली विजर आगे खड़ा होता है प्लेट लेके, डेली विजर होता है माला लेके, डेली विजर होता है पानी लेके, डेली विजर होता है फूल लेके, सब कुछ जो है वो डेली विजर ही करता है। बस इनका यही है कि हमको ये आगे पीछे चलते हैं, हमारा ये पैर धोते हैं, हमको ये सलाम करते हैं, हम भी बड़े हैं बाकी दुनिया में कोई। लेकिन एक चीज बता दूं, जो कांग्रेस की हालत हुई आप देख लो, ये नए सिरे से इलेक्शन हो रहा है 2024 में, पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा है ना, आप देख लेना कि अगर इनको गरीबों की हाई लग गई, जैसे आज कांग्रेस एनसी पीडीपी और क्या बोलते हो कांग्रेस पार्टी वजूद से खत्म हुई, इस तरह बीजेपी भी जम्मू कश्मीर से नहीं पूरे इंडिया से खत्म हो जाएगी। बात करने के लिए आज फिर आप एक बार आए, सुनने में आ रहा है कि 4 तारीख को आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या प्रोग्राम होने जा रहा है इसके बारे में बताइए। यासिर साहब, प्रोग्राम हमारा जो है वो लगभग 2-3 हफ्ते पहले तय हुआ है। जैसे मैंने पहले ही आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा किया, उसी तरह मैं अपने PHA एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के जो हमारे 5 मेंबर हैं जम्मू प्रोविंस के, हमारे रवि हंस जी, हुशार जी, ताज जी, मोहन जी, नवदीप जी, उनका शुक्रिया मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि वो पिछले लगभग 600 दिनों में हमारा जो ये सिलसिला चला रहे हैं। अब ये बदकिस्मती की बात है कि हमारा डेली वेजर जो है वो इसको समझने में मैं यही समझूंगा कि वो नाकाम है। हमारे 10 डिस्ट्रिक्टों के डेली वेजर जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, जैसे हम डोडा से देखते हैं, हर जगह से वो इसको देख रहे हैं कि ये डेली वेजरों का प्रोटेस्ट है, ये डेली वेजरों की डिमांडों को लेकर सरकार के आगे ये बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी है। लेकिन टिल डेट मैं ये देख रहा हूँ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारा डेली वेजर जो है पूरे जम्मू कश्मीर का, ये मैं सिर्फ जम्मू प्रोविंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं 28-30 डिपार्टमेंटों के सारे जो हैं, मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि बहुत नासमझ हैं, बहुत नालायक लोग हैं। जैसे मेरे साथ ही सलीम साहब ने कहा कि जहाँ भी किसी किस्म का ओकेजन होता है, कोई प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, जहाँ हमारे परमानेंट मुलाजिम खड़े होते हैं, किसी की रिटायरमेंट होती है, किसी की प्रमोशन होती है, जहाँ हमारे बड़े ऑफिसर लोग होते हैं, वहाँ हमारा डेली वेजर थाली लेकर, चाय लेकर, फूल लेकर होता है। अफसोस का मकाम है, जो लोग डेली वेजरों की इज्जत के लिए, जो डेली वेजरों की आन बान और शान के लिए अपना नुकसान करते हैं, जैसे हम हैं डोडा से, मैं हूँ, सलीम साहब हैं और हैं 2-4 बंदे, जो हम अपना क्रेडिट लेने के लिए नहीं बल्कि अपना नुकसान करके डेली वेजरों का मसला जो है, चाहे वो हमारा यहाँ का डीसी साहब हो, चाहे वो यहाँ के और हमारे अधिकारी हो, हमारे PHE डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो, उनके सामने जाकर अपना टाइम न देखते हुए, अपना नुकसान देखते हुए बिल्कुल हम एक साइड में रखते हैं और डेली वेजरों की बात करते हैं। लेकिन डेली वेजर घरों में बैठकर कमिट करते हैं, आप किस तरीके की हड़ताल करो, ऐसे प्रोटेस्ट करो, फिर हमारा मसला हल हो जाएगा घरों में बैठकर। और इसको देखते हुए 600 दिन आज हो गए हमारी कंटिन्यू प्रोटेस्ट जो है बीसी रोड जम्मू में, जिसको चलाने वाले वहाँ जम्मू के हैं, हम कभी कभार जाते हैं जब वो हमें बुलाते हैं। आज हमने ये लास्ट कॉल दी है डेली वेजरों को, अगर डेली वेजर अपनी इज्जत चाहते हैं, अपनी रेगुलाइजेशन चाहते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं डोडा के जितनी हमारी 4 सब डिविजनें हैं, सब डिविजन डोडा वेस्ट, ईस्ट, भद्रवाह और चिराला, जितने हमारे डेली वेजर हैं,
वो तवक्का वो रखेंगे फिर हमसे जो डोडा की लीडरशिप है जो उनके लिए काम करती है जो इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हमारे साथ 3 तारीख जम्मू आ जाएगी। जो लोग नहीं आएंगे बराबर वहां हाजिरी लगेगी और उसके बाद जहां जब वो लोग आएंगे जब उनका कोई काम होगा उनका काम हम नहीं करेंगे। सीधी बात ये हमने क्लियर किया है जम्मू वालों से और हमारे जितने भी लीडर हैं जम्मू प्रोविंस के एसोसिएशन के उन्होंने ये क्लियर किया है मेरे साथ कल शाम को कि उन बंदों का उन डिलीवरियों का कोई काम एसोसिएशन वाला कोई नहीं करेगा जो आज हमारे साथ नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रोटेस्ट है। और लास्ट प्रोटेस्ट ये इसलिए है जैसे आपने अभी मेरे साथी से सवाल किया था, देखिए यासिन साहब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किसी को हमारे मसले का पता नहीं है। जहां 80-20 का मसला नहीं है यहां 90% और 10% का मसला है। 10% हर डिपार्टमेंट में 10% लोग परमानेंट काम करते हैं, 90% हम लोग काम करते हैं। हम दफ्तरों में भी काम करते हैं, बड़े ऑफिसरों के साथ भी काम करते हैं और फील्ड में भी काम करते हैं। जो इस वक्त यहाँ लोग पानी पीते हैं, जो बिजली जलाते हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट की सहूलियात है वो सारी सहूलियात जो है डेली वेजर उनके घरों तक पहुंचाते हैं। अगर डेली वेजर अकलमंद होंगे, अगर डेली वेजर अपना काम सिर्फ 2 दिन के लिए छोड़ेंगे सारा निजाम जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ये ठप हो जाएगा। लेकिन हमारे डेली वेजर बहुत नादान है, बहुत नासमझ है। हम इनको एक बार और जगा रहे हैं कि अगर ये चाहते हैं कि हमने अपना फ्यूचर को खत्म कर दिया, लेकिन अगर अपने बच्चों का फ्यूचर ये लोग चाहते हैं कि आगे के लिए हम रिटायरमेंट में फायदा ले लेंगे, हमारी पेंशन हो, हम कम से कम सर उठाकर जिएंगे रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, तो कम से कम आज सारे के सारे डेली वेजर जो है वो जम्मू का रुख करेंगे। बारिश होती रहेगी, धूप भी होगी, बर्फबारी भी होगी, लेकिन हमारी जिंदगी का एक एक पल जो है ये वापस नहीं आएगा। ये सुनहरी पल जो हमने एक बहुत बड़ा एक सुनहरी पीरियड जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए यहाँ सरक किया है, अगर हम 3 दिन के लिए बारिश में यहाँ से जम्मू जाएंगे अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि हम जैसा समझदार बंदा फिर कोई नहीं होगा। देखिए यासिन साहब इस वक्त मैं क्लियर आपको ये बताऊंगा कि ये एक ही खेले के चाले चट्टे बटे सारे लोग। हमने जिस तरीके से 2014 में एक बदलाव के लिए बीजेपी को वोट किया था, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में बीजेपी जो है वो सबसे लास्ट में थी सियासी पार्टियों में। अगर यहाँ लास्ट में कोई पार्टी थी जम्मू कश्मीर में वो भारतीय जनता पार्टी थी, इनको कोई नहीं जानता था। इनकी पहचान जो है सबसे पहले जम्मू में डेली वेजरों ने कराई। हमारे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। हम मोदी जी से इस वक्त बार बार रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं, अगर 2014 में बदलाव के तौर पर हमने उस पार्टी को फ्रंट में लाया था जो सबसे पीछे थी, हम ये भी जानते हैं फिर कि हमारा वोट बैंक ये काम भी कर सकता है कि बीजेपी पार्टी जो है इसको हम वहीं बिठाएंगे जहां ये पहले थी, क्योंकि लोगों के हाथ में हमारे वोट में पावर, इतना तो हम जानते हैं कि कम से कम अगर ज्यादा नहीं हमारा वोट जो है वो पावरफुल है। अगर हम पावरफुल नहीं, अगर बीजेपी वालों ने हमारा ये सोचा कि इनके पास ताकत नहीं है, ये हमसे क्या करेंगे, ये अपना बार बार यहां दुखड़ा सुनाते हैं हम नहीं करेंगे, तो ये क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो पावर है, अब वक्त आने वाला है, आगे से पार्लियामेंट इलेक्शन है, इन्होंने हुकूमत तब बनानी है जब हम इनको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब ये उस चेयर पे बैठेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट के डेली वेजर तैयार रहेंगे जम्मू के लिए, उनको हम आज भी कल भी और बार बार हम ये कहते हैं कि ये आपके लिए एक लास्ट प्रोग्राम है, ये एक ऐसा तजर्बा उनको है कि इस प्रोग्राम को अगर हम कामयाब करेंगे, जिस तरीके से 1994 में यहाँ के डेली वेजर को वहाँ उस वक्त गवर्नर इंतजामिया था उन्होंने यहाँ परमानेंट किया था, एलजी इंतजामिया को हमने 4 तारीख मजबूर करना है कि वो हमारे पास आकर हमारी रेगुलराइजेशन जो है वो स्टार्ट करे और हमारा बकाया जात जो है वो रिलीज करे, तब तक हम जम्मू से वापस नहीं आएंगे। लेकिन शर्त है, शर्त ये है कि अगर इस वक्त डेली वेजर रेंट का 710% देगा, अगर आज हम गांव में बैठ गए फिर आगे के लिए हमारा रमजान आने वाला है, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंटेक्ट है, उसके बाद इलेक्शन है, तो हमारा मसला जो है वो ठंडे बस्ते में फिर जाता है। ये सारा निर्भर इस वक्त जो है डेली वेजरों पर है। अगर डेली वेजरों ने 3 दिन के लिए हमारे कहने पर, फ्रंट के कहने पर घर छोड़ा, बाकी आगे की लड़ाई जो है सरकार के साथ वो हम दिखाएंगे। बीच का रास्ता हो, पहला रास्ता हो या सारा चोट हो, लागू किस तरह करना है वो सरकार के साथ हम बात करेंगे।